करके फिर अपना आंसर दीजिए, ठीक है? चलिए, लेट्स बिगिन। थॉमस एंड चेस हैड इफेक्टिवली निक्स्ड द आइडिया। ध्यान सुनना, पूरी पूरी बात ध्यान सुनना। निक्स्ड मतलब निगेट करना, बट डिनाई करना। निक्स्ड द आइडियाज दैट बेबीज आर बॉर्न ब्लैंक स्लेट्स। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं कि बेबीज ब्लैंक स्लेट होते हैं। हु पैसिवली रिसीव एंड मोल्डेड बाय द एनवायरमेंट। उसने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं कि बेबीज ब्लैंक स्लेट होते हैं और वो पैसिवली मोल्ड किए जाते हैं बाय द एनवायरमेंट, ठीक है? पैसिवली रिसीव करते हैं, मोल्ड किए जाते हैं। तो उसने निक्स कर दिया ये आइडिया को, ठीक है, कि ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं, ठीक है? आगे, इन अदर वर्ड्स द एनवायरमेंट एंड द बेबी हैव अ डायनेमिक रिलेशनशिप, डायनेमिक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर। जब मैं पहली बार पढ़ रहा था मुझे ए और बी दोनों इकट्ठे लगे, पर ए और डी दोनों इकट्ठे नहीं हैं। कोई गैस कर सकता है क्यों? ए और बी दोनों इकट्ठे नहीं हैं, कोई गैस कर सकता है क्यों? इन अदर वर्ड्स ये ऑपोजिट बातें हैं। वेरी गुड, दोनों ऑपोजिट बातें हैं। वहाँ बोल रहा है कि भाई ये हु पैसिवली रिसीव्ड, कि भाई इन्वायरमेंट मोल्ड होते हैं इन्वायरमेंट के साथ, बट साला वो बोल रहा है बेकार है ये चीज़, ठीक है? यहाँ बोल रहा है इन अदर वर्ड्स द एनवायरमेंट एंड द बेबी हैव अ डायनेमिक रिलेशनशिप। अदर वर्ड नहीं, इन ऑपोजिट वर्ड है ये। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड चेंजिंग टू रिस्पॉन्स टू ईच अदर। शुरू से वो आपस में बातचीत करता है, एनवायरमेंट से बच्चा चेंज होता है। अब समझा, दोनों उल्टे हैं, ए और बी, इन अदर वर्ड नहीं है। आगे, देयर वर्क फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट ऑन द साइकोलॉजिकल व्यूज। देयर कौन है यहाँ पे? देयर कौन है बच्चों? देयर का मतलब है हमारा थॉमस और चेस। उन लोगों ने फ्लिप कर दिया और जो साइकोलॉजिकल व्यूज थे दैट हैड पेड द मोस्ट एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द रोल ऑफ पेरेंट्स, तो फ्लिप कर दी व्यूज। कौन से व्यूज? दैट हैड पेड द ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव अटेंशन, बड़ा अटेंशन है जी पेरेंट्स की तरफ, एनवायरमेंट की तरफ और चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ, वाइल इग्नोरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्ड इनेटली इंडोर्ड प्रीडिस्पोजिशंस। कह रहा रुक जा भाई, तू इग्नोर कैसे कर सकता है? थॉमस और चेस, इग्नोर कैसे कर सकते हो तुम? क्योंकि वो चाइल्ड का कुछ इंडोर्ड प्रीडिस्पोजिशंस भी हैं। प्रीडिस्पोजिशंस पहले से ही ससेप्टेबल, प्रोननेस जो इनेटली है माँ की कोख से जो चीज़ें हैं, ठीक है? मुश्किल है, समझते जाओ यार। मुझे ना ए के बाद सी लग रहा है, क्योंकि देयर की बात करी है और आइडिया को निक्स कर दिया है, और निक्स करके बोल रहा है कि उसकी जो वर्क था उसको अपन ने फ्लिप भी कर दिया है, और एक आइडिया बता रहा है नया वाला, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहा है और इग्नोर हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्ड इनेटली। अब इन अदर वर्ड्स की बात बी में हो रही कि डी में हो रही वो देखते हैं। ये ध्यान से, थॉमस एंड चेस वर्किंग विद द कलीग्स हु प्रोग्रेस देयर ओरिजिनल स्टडी शोड दैट नियोनेट्स, नियोनेट मतलब जो बच्चे नए फ्रेशली बॉर्न बेबी, न्यूली बॉर्न बेबीज, नियोनेट्स समटाइम जस्ट आवर्स ओल्ड, कुछ घंटे पहले, बिगेन टू इनएडवरेंटली, मतलब इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये वर्ड बार बार आता है, एक्सीडेंटली, हाँ, बाई चांस इफेक्ट द फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट बाई अडेप्टिंग रेजिस्टिंग ऑब्जर्विंग। कहता है कुछ घंटे पहले हुए और उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है वो अडेप्ट कर लेते हैं या रेजिस्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, रिएक्टिंग और इग्नोरिंग इन इट वेज नज्ड बाय द बायोलॉजिकल टेम्परमेंट। होल्ड ऑन, नज्ड, नज्ड मतलब थोड़ा सा टिंग टिंचर करना, नज चेंज करना बाय द बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल उनका ह्यूमन टेम्परमेंट है, जो उनकी बॉडी का टेम्परमेंट है, बिहेवियर है, एंड दैट द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड द अदर क्लोज पीपल चेंज द एनवायरमेंट एंड देयर ओन बिहेवियर इन रिस्पॉन्स। तो वो नज तो करते हैं पर उनका एनवायरमेंट चेंज करते हैं और इसीलिए उनका खुद का बिहेवियर उसके रिस्पॉन्स में भी चेंज होता है जैसे बेबी कर रहा है। क्विक 5 सेकेंड ब्रेक। यहाँ पे एक कीवर्ड है चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सप्लेन पता है कहाँ किया हुआ है? ये चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया हुआ है डी के अंदर। ये चाइल्ड डेवलपमेंट कहाँ पे किया हुआ है? दिस इज इन डी। ए के बाद सी, सी के बाद डी, और डी और बी भी एक डेडली कॉम्बिनेशन है विच सेज इन अदर वर्ड्स एनवायरमेंट एंड द बेबी हैव डायनेमिक बाय रिलेशनशिप। अरे उल्टा भी हो रहा है, ये देखो मम्मी पापा का बिहेवियर, एनवायरमेंट का बिहेवियर भी उनके रिस्पॉन्स से चेंज हो रहा है, बाय डायरेक्शन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू ईच अदर। लास्ट में भी रिस्पॉन्स की बात की थी, यहाँ पर भी रिस्पॉन्स की बात करी थी, और दोबारा बेबीज का ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट भी है। दोबारा देखते हैं, जिसका ठीक हुआ है +3, वेरी गुड।
लास्ट क्वेश्चन आज का, दोबारा देखते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे, थॉमस एंड चेस रिफ्लेक्टेड निक्स द आइडिया। निक्स का मतलब पता होना चाहिए निगेट करना। दैट द बेबीज आर बॉर्न इन ब्लैक शेड्स, बॉर्न ब्लैक शेड्स हु पैसिवली रिसीव एंड मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट। बेकार है ये सब कहता है, हाँ बेकार है। आगे इन अदर वर्ड्स नहीं हो पाएगा, ये उल्टा बोल रहा है। इसके बाद आएगा ए, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आएगा सी, देयर वर्क फ्लिप्ड, सब उल्टा कर दिया। स्क्रिप्ट ऑन द साइकोलॉजिकल व्यूज दैट हैड पेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द रोल ऑफ पेरेंट्स, पूरा का पूरा जो पेरेंट्स है ना उसके उल्टा कर दिया उसको। वाइल इग्नोरिंग, उसका खुद का भी था यार, इग्नोर कर दिया उसने, पर फिर वो बोल रहा है कि थॉमस और चेस जब वर्क कर रहे थे अपने कलीग्स के साथ, वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि घंटे कुछ पहले के बच्चे हैं और वो बच्चे उल्टा, रिया रुक जाओ भाई, बाय अडेप्टिंग रेजिस्टिंग एंड ऑब्जर्विंग रिएक्टिंग इग्नोरिंग नज्ड बाय द बायोलॉजिकल टेम्परमेंट। तो भाई टेम्परमेंट चेंज हो रहा है और उनका उल्टा चेंज हो रहा है, समझ आ रहा है, और उनका चेंज हो रहा है उल्टा। डी एंड बी वर अ डेडली कॉम्बिनेशन। इनमें से कई लोग बोल रहे हैं सर हम डी से स्टार्ट करेंगे, हम डी से स्टार्ट करेंगे और डी के बाद बी जाएंगे। सुनो जरा, कोई बता सकता है डी बी ए सी क्यों नहीं ट्रू है, डी बी ए सी क्यों नहीं ट्रू है, डी बी तो दोनों कॉम्बो हैं। हाँ भैया बताइए यार, तुम स्टोरी की मतलब, मैं एक वर्ड यूज करने वाला, छोड़ो डैश एक कर रहे हो, तुम स्टोरी को उल्टा उल्टा कर रहे हो यार। सी और डी कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है यार, सी और डी कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, देखो जरा सी और डी, हाँ नीदर ए और सी नहीं है, समझ आ रहा है, तो सॉरी ए और सी कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, और डी और बी तो है ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, और सी और डी कोई माइकल लाल इसको बदल नहीं सकता, सी और डी तो आगे आना ही चाहिए बिकॉज डेवलपमेंट की बात हो रही है। अब समझा एवरीवन, चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो सी और डी इकट्ठे नहीं आना चाहिए, बाकी सब ऑप्शन गलत है। हाउ अबाउट डी सी, अभी फिर उल्टा, अरे फिर उल्टा, ठीक है भाई डन है। और बॉयज एंड गर्ल्स आई एम गोना क्लोज द क्लास राइट नाउ, होप यू गाइस एंजॉय टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, मजा आया कि तुम लोगों को, लेवल अप हुआ है भाई, हाँ भाई लेवल अप हुआ है, यस और नो, यस और नो, अभी बहुत टाइम पढ़ा आपने, बस 9 महीने पढ़े हैं, ऐसे बहुत सारे सेशन आएंगे, तोते उड़ाने हैं मुझे और, बट हर क्लास में कुछ ना कुछ अपने को सीख के जाना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ और मेहनत करते जाओ, एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। थैंक यू सो जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, गो एंड स्टडी हार्ड, एंड आई एम गोना एंटर द क्लास विद द जी डी पी आई कॉल गेटर्स नाउ, और तुम मेहनत करो, एंड आई एम गोना बी देयर विद यू टिल दैट वर्बल गॉड, अरे भी गॉड वर्ड नहीं है यार, यूट्यूब लाइव कोशिश करेंगे करने का यार, थैंक